हाय स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं कि हमारा हर्ट वर्क कैसे करता है। बहुत से बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि हमारा हर्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो है धक धक। एक्चुअली ये साउंड जो हमारा हर्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये धक धक ना होके ये साउंड है लब डब। और ये साउंड हमारा हर्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, हर्ट वर्क कैसे करता है और हम हर्ट को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, लेट्स लर्न विद दिस सिंपल डायग्राम। हम अगर अपने हर्ट की बात करते हैं तो हमारा हर्ट कुछ इस तरीके का नज़र आता है। अगर हम हर एक पर्सन या हर एक ह्यूमन बींग के हर्ट के बारे में बात करें तो हर पर्सन के हर्ट का साइज लगभग उसके फिस्ट जितना होता है, यानी उसके मुट्ठी जितना। पर्सन की जितनी ज़्यादा हेल्थ या फिर हाइट होगी उसका हर्ट भी उसके अकॉर्डिंगली ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है और वो हाइट उसके ऑलमोस्ट फिस्ट के साइज जितना होता है। अब अगर हम अपने हर्ट की वर्किंग को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा हर्ट किस तरीके से काम करना शुरू करता है, कहाँ से ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और किस तरीके से पंप करके उसे हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स तक फ्लो करते हैं। इसे सीखने के लिए एक सिंपल से फ्लो चार्ट से हम शुरुआत करते हैं। ये फ्लो चार्ट हमारे क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस तरीके का डायग्राम हमें क्वेश्चंस में CBSE से पूछा जाता है। तो हम अगर हर्ट की बात करें, ह्यूमन बीइंग के हर्ट के अंदर 4 चैम्बर हर्ट होता है जिसे हम दो पार्ट्स में सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं, एक हिस्सा लेफ्ट और एक हिस्सा राइट। हम इस हर्ट के डायग्राम को बिल्कुल वैसा ही पढ़ेंगे जैसा हम अपने हर्ट को समझते हैं। तो हमारे हर्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वही हमारे डायग्राम का भी लेफ्ट पार्ट है, हमारे हर्ट का जो राइट पार्ट है वही हमारे डायग्राम का भी राइट पार्ट है। सिंपल तरीके से अगर आपको इसे याद रखना है तो ये याद रखेंगे कि डायग्राम बनाते हुए जो लेफ्ट साइड है वो राइट होगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट होगी। तो हम इस पार्ट को राइट बोलेंगे और इस पार्ट को लेफ्ट बोलेंगे। हमारा हर्ट 4 चैम्बर्स में सेग्रीगेटेड होता है। हर्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 कॉलम्स होते हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम नाम से जानते हैं और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल नाम से जानते हैं। इसीलिए अपर चैम्बर्स हमारे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के नाम से बुलाए जाते हैं और लोअर चैम्बर्स हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के नाम से जाने जाते हैं। अब कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम फ्लो चार्ट को फॉर्म करेंगे हमेशा अपने लंग्स को हमारे डायग्राम के ऊपर तरफ मेंशन करेंगे और बॉडी पार्ट्स को नीचे की तरफ मेंशन करेंगे। हालांकि जब हम अपने हर्ट की बात करते हैं तो ये हर्ट हमारे लंग्स से नीचे नहीं बल्कि हमारे लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। ये लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड होता है, लेकिन समवट क्योंकि ये हमारे लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है तो हम कह देते हैं कि हमारा हर्ट लेफ्ट साइड में है। बट हाउएवर इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड दी थोरेसिक कैविटी एंड इन द सेंटर ऑफ दी लंग्स। लंग्स के बीच में ये हर्ट हमारा अवेलेबल है। बट लंग्स एक जो मेन काम करता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का करता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ये समझ के आए हैं कि लंग्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कैरी करता है और उसके बाद ये लंग्स इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेसल्स के थ्रू हमारे पास हर्ट में प्रोवाइड करता है। जब भी लंग्स से हमारे पास ब्लड आएगा तो पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा और लेटर ऑन ये ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। इसीलिए जब भी हम डायग्राम फॉर्म करेंगे हम इस डायग्राम के अंदर लंग्स को अपर साइड पर रखेंगे और बॉडी पार्ट्स को लोअर साइड में रखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि एक वेसल कैरी करती है। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है वो वेन कैरी करती है जिसका नाम पल्मोनरी वेन है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से बॉडी पार्ट्स के तक पहुंच जाएगा। बॉडी पार्ट्स इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज करती है और लेटर ऑन इसमें से जो CO2 निकलता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फॉर्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड ब्लड है, ये वापस से हमारे एट्रियम में फ्लो होता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से वापस से ये लंग के पास जाता है ताकि फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो सके। अब हम एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से वेसल्स हैं, क्या क्या उनके नाम हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये हमारे हर्ट के अंदर फ्लो करता है। लंग्स की बात करें तो लंग से जो ब्लड हमारे एट्रियम के अंदर एंटर करता है इसे कैरी करके लेके आता है पल्मोनरी वेन।
इसे बोला जाता है पल्मोनरी वेन। यूजुअली आपने चैप्टर के अंदर ये समझा होगा कि वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। बट हर्ट के अंदर ये एक एक्सेप्शन सिचुएशन है, जहाँ पर लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड्रीज जाता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है और लेटर ऑन ये वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स पर जाता है, ये मेन आर्टरी कैरी करके इसे ले जाती है, जिसे हम बोलते हैं आयोटा आर्टरी। आयोटा आर्टरी से ये ब्लड बॉडी पार्ट्स पे जाता है, बॉडी पार्ट से यही ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर जाता है और ये ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है इसे कैरी करती है वेना कावा वेन। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से वापस से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करता है और राइट वेंट्रिकल से जब इसे लंग्स तक पहुंचाया जाता है तो इसे कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरी। आप एक चीज को सिंपल तरीके से समझने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं कि लंग से जो ब्लड आया है ये ऑक्सीजन रिच्ड है और जो भी ऑक्सीजन एनरिच्ड ब्लड हमारे पास आता है इसे हम रेड कलर से शो करते हैं। रेड कलर से शो करने से हमें ये समझ में आ जाता है कि एक ऑक्सीजन वाला या ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड है। जो भी ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड होता है उसे हम ब्लू कलर से शो करते हैं। हालांकि हमारे ब्लड के कलर में कोई वेरिएशन नहीं होता, पर जितने भी डायग्राम्स आप अभी से लेके आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दो अलग अलग कलर से रेफर किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड लेड में दिखाया जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड आपको ब्लू में शो किया जाएगा। अब फिर से देखते हैं, हमारे पास लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड एनरिच्ड आता है, हालांकि हमारी आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट ये एक एक्सेप्शन सिचुएशन है जहां लंग से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक हर्ट का डायग्राम देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको फिर से फोर चैम्बर्स दिखाई देंगे। अपर टू चैम्बर्स आर द एट्रियम एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर द वेंट्रिकल। इन एट्रियम और वेंट्रिकल में बिल्कुल इसी फ्लो चार्ट के तरीके से काम हो रहा है। आप देखेंगे तो दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम, यानी ये लेफ्ट एट्रियम है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज द पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड एनरिच्ड ब्लड हमारे लंग से लेके आ रही है और सबसे पहले हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये हमारे वेंट्रिकल के अंदर आता है। लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आते हुए ये जो आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम वॉल्व का नाम देते हैं। हम इसे यहाँ पर V1 और V2 वॉल्व के थ्रू रेफर करते हैं। हाउएवर इस वॉल्व का नाम मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, और इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वॉल्व हमेशा हमारे ब्लड को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करता है। हमारा हर्ट जब भी पंपिंग का फंक्शन प्रोवाइड करता है तो इस समय सबसे पहले हर्ट के अपर टू चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये V1 और V2 दोनों वॉल्व ओपन हो जाते हैं और सारे ब्लड को वेंट्रिकुलर पार्ट में फ्लो कर देते हैं। V1 वॉल्व मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जाना जाता है और V2 वॉल्व हमारा ट्राइकस्पिड के नाम से जाना जाता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो वॉल्व है उसके ऊपर का जो फेसिंग है वो टू पार्ट फेसिंग है और ट्राई मतलब तीन, यहाँ पर जो वॉल्व का फेसिंग है ये थ्री पार्ट फेसिंग है। तो बेसिकली बाइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। पहली बारी में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों वॉल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन हो जाते हैं और ब्लड डायरेक्ट वेंट्रिकल में फ्लो हो जाता है। सेकेंड पार्ट में हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल से ये जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये ब्लड हाई प्रेशर के साथ हमारे बॉडी पार्ट्स और लंग्स के थ्रू ट्रैवल करता है। अब अगर आप इसी चीज़ को हमारे हर्ट के डायग्राम में देखेंगे तो पहली बारी में हमारे एट्रियम्स यानी कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम ब्लड को पहली बारी में कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल में फ्लो कर देते हैं। दूसरी बारी में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एक हायर प्रेशर के साथ ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में और वापस हमारे लंग्स के पास भेज देता है ताकि वो इसको
ऑक्सीजनेटेड क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारा हार्ट बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे हार्ट के अंदर एक ही ब्लड दो बार फ्लो करता हुआ आ रहा है। कैसे? जब हमने पहली बार लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा तो वो हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से वापस ये डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स में ट्रेवल कर रहा है। सेम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल कर रहा है आयोटा आर्टरी के थ्रू, और यही ब्लड हमारा बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में जा रहा है जब ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट ब्लड को दो बारी कैरी करके ले जा रहा है, एक बार लंग टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, और एक बार हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू हार्ट। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए हम हार्ट को डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। पहली बारी में अगर आप फिर से देखें इस डायग्राम में, तो ऊपर आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट सर्कुलेशन है जहाँ पे हमारा ब्लड लंग टू हार्ट और हार्ट टू लंग ट्रेवल कर रहा है। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। और जब हमारा ब्लड हार्ट टू बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स टू हार्ट ट्रेवल करता है तो हम इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। सो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे दोनों सर्कुलेशंस का नाम क्या क्या है और इन सर्कुलेशंस में हमारा ब्लड ट्रेवल कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।